हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसवीसी किचन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को घर पर ही घी बनाने का रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने घी बनाने के लिए एक कढ़ाई लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इसी पे अभी घी बनाऊंगा। और घी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध के क्रीम को एक हफ्ते कर जमा करके फ्रिज पे रख दिया था। तो अभी इसी क्रीम की मदद से मैं यहाँ पर घी बनाऊंगा। आप देख सकते हैं, इस क्रीम से कम 250 ग्राम घी आसानी से बना सकता हूँ। जो भी क्रीम था मेरा जो डिब्बे पे, वो मैं यहाँ पर कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। इसको आप कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना होगा। यदि आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसी की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स कर रहा हूँ। और ये इसको घी निकलने में थोड़ा देर लगता है, तो इसको मैं थोड़ा एडिट करके आपको दिखाऊँगा, पूरे वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा। इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना होगा जब तक ये मक्खन अलग ना हो। अभी ठंडक मौसम चल रहा है दोस्तों, तो ठंडे के मौसम में घी बनाने का तरीका भी अलग रहता है। जैसे कि गर्मी के सीज़न में हम लोग ठंडे पानी डालते हैं, तो अभी हमको थोड़ा गुनगुना पानी डालना पड़ेगा घी को सेपरेट करने के लिए। तो ये अपने दिमाग में ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ठंडे मौसम में घी बनाएं तो आप गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैंने यहाँ मैक्सिमम मिक्स कर दिया है। छोटा छोटा बबल दिखने लगा है, लेकिन अभी घी सेपरेट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी मुझे इसको स्टिर करता रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा थिक हो गया है पहले के मुकाबले। अभी और चलाने के बाद, थोड़ा और देर स्टिर करने के बाद, इसमें हम थोड़ा गुनगुना सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा मक्खन हो वो अलग हो इससे। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है, तो मैं इसको डाल दूंगा। और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। देखिए, मैं मिक्स करने जा रहा हूँ। जब भी आप मिक्स करेंगे गुनगुना पानी डालने के बाद, थोड़ा आराम से करिएगा। और ऐसे करके मैं अभी मिक्स कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी मक्खन नहीं निकल रहा है। और इसको थोड़े देर ऐसे ही चलाना पड़ेगा, यानी कि स्टिर करना पड़ेगा, तभी हमारा घी है वो अच्छे से ऊपर आएगा और हम उसको अलग से निकल पाएंगे। तो मैं इसको थोड़े देर और ऐसे ही मिक्स करता हूँ। फाइनली हमारा घी सेपरेट हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर घी अच्छे से निकल गया है। तो यही मैं चाह रहा था, कितना देर से बहुत थक भी गया हूँ क्योंकि इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना पड़ता है, तो इसी की वजह से हाथ में थोड़ा थकावट महसूस हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो ये अच्छे से निकल आया है। अभी मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगा। आप अपने हाथ की मदद से इसको छान कर अलग कर सकते हैं क्योंकि इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। अभी मैं इसको छोटे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगा, उसके बाद इसको मैं पिघलने के लिए रख दूँगा आग पे। जो मैंने इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया है दोस्त, देखिए, मैंने बोला था आपको करीबन मैं 250 ग्राम्स घी निकालूँगा, वो इतना ही निकल आया है। अभी इसको मैं अच्छे से आग में बिठा दूँगा और थोड़े देर के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए, ये अच्छे से मेल्ट भी हो रहा है और हमारा घी अभी थोड़े देर में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दिखाई देखने लगेगा। और बहुत ही आसान है घी बनाना घर पर। आई होप आपको रेसिपी पसंद आया होगा। आप भी अपने घर पर क्रीम को स्टोर करके ऐसे ही घी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत का फल अंत में अच्छा ही आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।